नमस्कार साथियों, मैं संदीप नोकवाल HBN 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर काफी हू हल्ला मचा हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद उम्मीदें लगाई जा रही थी कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर पाएगी या बीजेपी का जनाधार देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर अगर ओपिनियन पोल की बात की जाए तो कांटे की टक्कर चल रही है बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन इस कांटे की टक्कर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जलवा मध्य प्रदेश के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। यानी साफ साफ कहूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी ही सीट बचा ले तो ये काफी है, लेकिन अगर ओपिनियन पोल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 230 सीटों के बारीकी सर्वे में या ATZ ओपिनियन पोल में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी बीजेपी 90 सीटों को पार भी नहीं कर पा रही है। हद मारकर बीजेपी 100 सीटें पार जो है मध्य प्रदेश के अंदर कर सकती है। टोटल मिलाकर अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस का आंकड़ा 120 सीटों के पार जा रहा है। लोगों ने कहा कि नेता बेरोजगारी पर बात नहीं करते, सेंट्रल सरकार की नीतियों से काफी लोग परेशान हैं। इसी कारण मध्य प्रदेश के अंदर समीकरण कुछ और ही है। अगर छत्तीसगढ़ राजस्थान की बात की जाए तो वहां पर भी भाजपा अपनी मजबूती नहीं दिखा पाई है। जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के ओपिनियन पोल की चर्चा हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। बात करते हैं आखिर मध्य प्रदेश के अंदर कैसे हुआ, आखिर क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि काफ़ी लोगों का मानना है कि जो ओपिनियन पोल दिखाकर लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है सैटेलाइट टीवी चैनलों के द्वारा, लेकिन अगर मेरी माने तो मैंने देखे हैं कि सैटेलाइट टीवी चैनल हो, चाहे वो इंडिया टीवी हो या चाहे वो कोई भी टीवी चैनल हो, ओपिनियन पोल के अंदर कांग्रेस पार्टी का बहुमत दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को सभी टीवी चैनल मध्य प्रदेश के अंदर जीतता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि गोदी मीडिया अब बिकाऊ हो चुकी है। वहीं पर आपको बता दें कि लोगों ने कहा कि मालवा से जीतू पटवारी है, उमंग सिंगार है। लोग कैंडिडेट का नाम बता रहे हैं वीडियो के अंदर कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ से जीत सकता है। आपको बता दें कि वहीं पर उन लोगों ने कहा है बीजेपी को ही चुनकर लाना, MVR तो सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए एक हुई है। यानी लोग तरह तरह की बात करें, काफ़ी लोग आज भी बीजेपी को पोजीशन में देखना चाहते हैं। ओपिनियन पोल आने के बाद भी आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाजपा MP से पीछे नहीं हटेगी। इसी बीच आपको बता दें कि जो है काफ़ी लोग यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का क्या जलवा है, आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी जलवा देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं पर आपको बता दें कि जो है लोग कह रहे हैं कि रामलला मैदान में ओल्ड पेंशन के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं दिल्ली के अंदर। रामलला मैदान में ओल्ड पेंशन लोगों की जाए, ओल्ड पेंशन चालू की जाए, इसको लेकर इतना लोग इकट्ठा हुए हैं कि आप पूछिए मत। वहाँ पर आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं और ओल्ड पेंशन की आवाज़ अब उठने लगी है। आखिर लोगों को कम मिलेगा ओल्ड पेंशन, यानी जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे ओल्ड पेंशन से लेकर काफ़ी मांगे उठने लगती है। लेकिन आज फिलहाल मैं इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की ओपिनियन पोल के बारे में, जहाँ पर बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि बीजेपी बहुमत में है, बीजेपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन अगर धरातल पर उतर कर देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर रेस से बाहर होती हुई नजर आ रही है या बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। आज के ओपिनियन पोल के अंदर बीजेपी 90 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है, वहीं पर 120 सीटों का आंकड़ा कांग्रेस पार कर रही है। अगर 120 और 90 सीटों को जोड़ दे तो टोटल 210 सीटें हुई। आप सोच रहे होंगे अगर 20 सीटें कहाँ गई, टोटल 200 सीटें हैं, 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो 20 सीटें कहाँ गई। आपको बता दें कि ये 20 सीटें में से लगभग 10 सीटें अन्य पार्टी कांग्रेस या बीजेपी को छोड़कर या अन्य दल या निर्दलीय दलों को जा सकती है, और 10 सीटें ये कांग्रेस या बीजेपी के खाते में जुड़ सकती है। साफ साफ कहूंगा कि कांटे की टक्कर है, भाजपा या कांग्रेस की जीत की जो दूरी है ज़्यादा नहीं रहने वाली। अगर फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर नजर आ रही है। अगर मैं एक एक सीटों का डिटेल आपको बताने लगूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिलेगी हर विधानसभा सीट से कि लोगों की क्या सोच है। इस चीज़ को लेकर आप अपनी राय जरूर कमेंट करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।